ये विषय भारत के 140 करोड़ भारतीयों के लिए है। चूंकि हेल्थ इंश्योरेंस हो, पेंशन इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो या इंश्योरेंस हो, ये सामाजिक सुरक्षा का विषय है और इस पे किसी तरीके की जीएसटी नहीं लगना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे संगठन का स्पष्ट मानना है कि जीएसटी ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए और जब कोई बीमार हुआ तो उनका परिवार तबाह हो गया। हटाना मुख्य मुद्दा है कि पूरी तरह से जीएसटी को हटा दिया जाए, और हम लोगों की मांगे हैं कि जीएसटी हटाना, और मुख्य मांग है कि प्रीमियम जो है कम हो और बोनस बढ़े। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज़। देखिए, मैं अभी जो मौजूद हूँ पटना में, मैं मौजूद हूँ, लेकिन जो मुद्दा है और जो बातें हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है देवी शुक्ला जी। LIC के बारे में और GST के बारे में कुछ बात है, उनसे हम जानना चाहें क्या मामला आप लोग का है और क्या LIC में जो आप लोग बता रहे हैं कि जो GST को लेकर जो निर्णय आने वाला है उससे आप लोग संतुष्ट हैं। ये विषय भारत के 140 करोड़ भारतीयों के लिए है। चूंकि हेल्थ इंश्योरेंस हो, पेंशन इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो या इंश्योरेंस हो, ये सामाजिक सुरक्षा का विषय है और इस पे किसी तरीके की GST नहीं लगना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे संगठन का स्पष्ट मानना है कि GST ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए और जब कोई बीमार हुआ तो उनका परिवार तबाह हो गया है। इन्हीं सारे विषयों को लेकर कई सारे सांसदों ने पक्ष और विपक्ष के बीच बीच में पार्लियामेंट में विषय को उठाया। अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने उसके बाद और काफ़ी दबाव बना। विपक्ष के बहुत सारे सांसदों ने मिलकर संसद में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद वित्त मंत्री जी ने और GST काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के अध्ययन के बाद इस इंश्योरेंस सेक्टर से GST को हटाया जाए। क्या फायदा इससे होगा अगर हट जाएगा तो लोगों तक, जो आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं GST की वजह से रिलायंस को, इंश्योरेंस को नुकसान हुआ है? निसंदेह इंश्योरेंस का ही नहीं नुकसान हुआ है, बल्कि देश के सामान्य नागरिकों का नुकसान हुआ है। एक बड़ी सीधी सी बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस देना किसी भी कल्याणकारी राज्य का विषय है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं दे पा रहे हो, अगर आप हेल्थ की सुविधाएं मुफ्त में सभी को नहीं दे पा रहे हो, लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो उस पर भी 18% की GST वसूलना ये कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा विषय ये है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको, किसी को कोई क्लास 4 है, कोई क्लास 1 है, कोई क्लास 2-3, कोई भी हो सकता है, 30-40 लाख रुपए उसको पूरी जिंदगी में नौकरी करने के बाद मिला, अगर वो 20-25 लाख रुपए LIC में रखना चाहता है तो उसको 2.25% का 6% मिलेगा और 2.25% उसको GST देना पड़ेगा, तो उसको कुल तो 3.75% मिला ना, इससे कैसे जीवन यापन कर सकता है? तो ये सरकारों को सोचना चाहिए। ये कमेटी भी सरकार बनाई है, क्या निर्णय लिया है और क्या लग रहा है आपको कि बेहतर निर्णय आने वाला है? कमेटी को जो लीड कर रहे हैं बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। सम्राट चौधरी जी से अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं और हम उनको एक ज्ञापन देंगे और उनसे ये चर्चा करेंगे कि पूरी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर से GST को हटा दीजिए। इसी में ना केवल LIC का भला है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भी इसी में भला है, और इससे इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर लेती सरकार कि जो देश की जितनी भी योजनाएं हैं केवल इंश्योरेंस सेक्टर से GST वसूल के ही उनको पूरा किया जाएगा, ऐसा हो भी नहीं सकता। बहुत थोड़ा सा कलेक्शन है, इसलिए सरकार को इसका मोह त्याग देना चाहिए ताकि इंश्योरेंस सेक्टर का डेवलपमेंट हो और उससे जितनी प्रीमियम आती है अल्टीमेटली उसको भी तो सरकार खुद ही अपनी योजनाओं में उपयोग कर रही है। आपकी किस किस तरह की मांगे हैं हटाने की और क्या मेन मांग है जो सरकार से आप चाह रहे हैं वो बताएं।
विशुद्ध जीएसटी पूरी तरीके से सारे इंश्योरेंस सेक्टर से हटा लिया जाए, कोई भी जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए। ये कल्याणकारी राष्ट्र राज्य के लिए उचित नहीं है। ये इंश्योरेंस देना सामाजिक सुरक्षा है, हेल्थ इंश्योरेंस देना किसी भी राज्य या किसी भी सरकार का कर्तव्य है, उसी के लिए वो टैक्सेस लेते हैं। और इस पे टैक्स पे टैक्स पे टैक्स नहीं वसूला जा सकता, केवल एक ही टैक्स लिया जा सकता है। हमसे इनकम टैक्स वसूल रहे हैं, उसी इनकम टैक्स से सारा, और हमसे अदर जो हम कमोडिटीज खरीद रहे हैं या जो भी सुविधाएं हम ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, उसके लिए जीएसटी वसूली ही जा रही है। तो इंश्योरेंस सेक्टर पर क्यों? ये तो हमारा खुद का नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा का मामला है, और इसी से समाज और राष्ट्र बनता है। अगर समृद्ध परिवार होगा तभी समृद्ध राज्य और राष्ट्र होगा। हाँ, इसलिए जीएसटी पूरी तरीके से हटाया जाना चाहिए। कितने लोग आज मिलने जा रहे हैं, कितने आप लोग? हम 7 सदस्य, हमारा प्रतिनिधि मंडल है 8 सदस्य। हम लोग सब लोग हैं सर, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, प्रशांत दुबे जी ये झारखंड से हैं। जीएसटी घटाना मुख्य मुद्दा है कि पूरी तरह से जीएसटी को हटा दिया जाए, और हम लोगों की मांगे हैं कि जीएसटी हटाना, और मुख्य मांग है कि प्रीमियम जो है कम हो और बोनस बढ़े, यह मुख्य विषय है। तो इसलिए जीएसटी घटाए, चूँकि जीएसटी 4% 5% 4.5% लेना, मतलब तो पार्टी को क्या मिल रहा है। तो जीएसटी को हटाना ही मुख्य विषय है, और इसके लिए हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा होगा, और उनके माध्यम एकदम मिलेंगे, पूरी तरह से मिलेगी, हमको पूरा विश्वास है। कल सूचना मिली और राष्ट्रीय अध्यक्ष भोपाल से आ गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेगूसराय से आ गए, हम धनबाद से झारखंड से आ गए, और सभी लोग विभिन्न क्षेत्रों से आ गए एकदम रात भर चल के। तो निश्चित तौर पर विश्वास है, और हम लोग संघर्ष करेंगे, और विपक्ष के सारे लोगों को सरकार के नुमाइंदों से निर्मला सीतारमण जी से मिलेंगे सम्राट जी के माध्यम से, और हमारे नेता हैं श्री सत्य प्रकाश झा जी, उनके माध्यम से भी बेहतर ये करेंगे। तो यही करना है। प्रशांत कुमार दुबे, क्षेत्रीय अध्यक्ष पूर्व मध्य क्षेत्र।